हेलो एवरीवन मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच विद रेफरेंस टू एल्टन मेयो जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानव संबंध दृष्टिकोण इस वीडियो में हम समझेंगे ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का मीनिंग इट्स फीचर्स एंड हम डिस्कस करेंगे तो शुरुआत करते हैं वीडियो की तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के मीनिंग

साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी फोकस करती थी एफिशिएंसी पर यह थ्योरी इंसान को एक मशीन मानती थी जिसका ऑब्जेक्टिव था सिर्फ और सिर्फ काम करते रहना ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके और ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाए और ये इंसेंटिव्स पर भी फोकस करती थी अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को समझना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच फोकस्ड ऑन Human relations rather than structure of the organization. Ye approach human relations per focus, thi. organization ke kar This approach is understood through Hawthorne experiments conducted by Professor Elton Mayo, who was the father of human relations movement and his associates at the Harvard School of Business at Western Electric Company's Hawthorne Works near Chicago. देखिए ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच को समझा जाता है हॉथर्न एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट्स फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट प्रोफेसर एल्टन मेयो जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे और उनके एसोसिएट्स द्वारा करे गए थे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर जो कि शिकागो में सिचुएटेड है ये एक टेलीफोन इंडस्ट्री सप्लाई कंपनी थी और इस कंपनी का एक कॉम्प्लेक्स था जिसका नाम था हॉथर्न वर्क्स उस कॉम्प्लेक्स में ये एक्सपेरिमेंट्स करे गए तभी इनको नाम दिया गया का। तो क्यों इन का नाम, उस कॉम्प्लेक्स का नाम था हॉथन ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे द्वारा, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे और फ्रिट्स रोको द्वारा जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर थे

वर्क कंडीशन अनहेल्दी थी एंड मजदूरों का या वर्कर्स का एक्सप्लाइटेशन हो रहा था और मैनेजर्स मजदूरों की वर्कर्स की साइकोलॉजिकल या मानसिक जरूरतों को इग्नोर कर रहे थे जिसने वर्कर्स को उदासीन बना दिया था बना दिया था सो ह्यूमन रिलेशन ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन सो एम्फिस इंटरेक्ट विद इन एंड हाउ परफॉर्मेंस इस अप्रोच का मानना था कि ह्यूमन रिलेशन या मानव संबंध एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करते हैं तो ये फोकस करती है कि इंडिविजुअल्स या व्यक्ति अपने ग्रुप्स में जो वो एक ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं उसमें कैसे इंटरैक्ट करते हैं और ये रिलेशन उसकी परफॉर्मेंस को कैसे इफेक्ट करते हैं अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इस अप्रोच का पहला फीचर है दैट ह्यूमन रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट इन मोटिवेटिंग पीपल ह्यूमन जो रिलेशंस बनाते हैं वो उनको मोटिवेट करते हैं एंड इंसेंटिव्स आर नॉट द सोल फैक्टर दैट मोटिवेट पीपल इंसेंटिवस होते हैं प्रोत्साहन राशि तो प्रोत्साहन राशि अकेला फैक्टर नहीं है जो लोगों को मोटिवेट करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी इंसेंटिवस को मोटिवेटिंग फैक्टर मानती थी द नेक्स्ट फीचर इज दैट इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रभावशीलता डिपेंड करती है इस फैक्टर पर कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग कैसे रिलेशनशिप्स बनाते हैं इट एम्फोसाइजेज ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ वर्कर्स सच एज रेकग्निशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड मोरऑल ये करती है वर्कर्स की मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल नीड्स को सैटिस्फाई करने में जैसे कि रिकग्निशन जिसे हम कहते हैं मान्यता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है कि किसी की कैपेबिलिटी का फुल डेवलपमेंट एंड मोरल। इट बिलीव्स दैट कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड इम्प्लॉयज इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय इश्यूज़ ये अप्रोच मानती है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज इंप्लॉयज की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए एंड लार्जर प्रोडक्शन एंड हायर मोटिवेशन कैन ओनली बी अचीव ओनली थ्रू गुड ह्यूमन रिलेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में हायर प्रोडक्शन या हायर मोटिवेशन तभी हो पाएगी अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में गुड ह्यूमन रिलेशंस हैं लोगों के व्यक्तियों के जो वर्कर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के आपस में रिलेशन अच्छे हैं स्टडीज़ फैक्टर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक कॉन्फ्लिक्ट चेंज मोटिवेशन एंड रिलेशनशिप्स एंड द वेरियस टेक्निक्स ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बाई इम्प्रूविंग द रिलेशन अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इंटरनल एनवायरमेंट अप्रोच फोकस करती है ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस फैक्टर्स को समझने के लिए जैसे कॉन्फ्लिक्ट या इसे हम कह सकते हैं झगड़ा देन चेंज मोटिवेशन एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स और ऐसी सभी टेक्निक्स जिनके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों के रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाता है तो ये थे फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच अब हम डिस्कस कर लेते हैं हॉथॉन एक्सपेरिमेंट्स जो कि ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दे वर द सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट इफ ह्यूमन रिलेशंस एंड इंटरक्शन अफेक्ट प्रोडक्टिविटी ये सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे टोटल चार एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट ये जानने के लिए कि क्या ह्यूमन रिलेशन यानी कि मानव संबंध और उनकी आपस में इंटर प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है ये जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे तो इन चार एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किए गए थे 1924 से लेकर 1927 तक। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है प्रकाश या रोशनी इसको हम लाइटनिंग भी कह सकते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य था टू तो एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ वर्कर्स ये जानना कि क्या लाइटनिंग कंडीशंस वर्कर्स की वर्किंग कैपेसिटी को अफेक्ट करती है या नहीं करती है इस एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप्स क्रिएट किए गए थे पहले का नाम था कंट्रोल ग्रुप दूसरे का नाम था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ऑफ फीमेल वर्कर्स, दोनों ही ग्रुप्स में फीमेल वर्कर्स थी सिक्स मेंबर्स ईच दोनों ही ग्रुप्स में छ फीमेल मेंबर्स थी तो एक का नाम था कंट्रोल ग्रुप दूसरे का नाम था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो इनिशियली रूम्स वर इक्वली इल्यूमिनेटेड पहले तो स्टार्टिंग में तो दोनों ही ग्रुप्स के जो रूम्स थे फुल्ली एल्यूमिनेटेड इक्वली एल्यूमिनेटेड थे लाइटनिंग कंडीशन दोनों की ही इक्वल थी बट लेटर ऑन चेंजेस इन द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन इन द एक्सपेरिमेंटल टेस्ट ग्रुप जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था ना इस ग्रुप की लाइटनिंग कंडीशन को चेंज किया गया कभी वहां की लाइटनिंग कंडीशन को बढ़ाया गया कभी घटाया गया ये देखने के लिए कि क्या लाइटिंग कंडीशन के चेंज होने से प्रोडक्टिविटी चेंज होती है तो रिजल्ट क्या रहा इस एक्सपेरिमेंट का कि प्रोडक्शन इन बोथ रिस्पेक्टिव इंक्रीज द लेवल ऑफ़ इल्यूमिनेशन रिजल्ट रहा कि दोनों ही ग्रुप्स में प्रोडक्शन जो है वो बढ़ी इंक्रीज हुई रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन रोशनी का या लाइटनिंग का कोई फर्क नहीं पड़ा तो रिसर्चर्स ने क्या कंक्लूड किया कि अदर फैक्टर्स रादर देन इल्यूमिनेशन इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इल्यूमिनेशन अफेक्टेड ओनली मार्जिनली रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया कि लाइटिंग के अलावा दूसरे फैक्टर्स प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं इल्यूमिनेशन का सिर्फ थोड़ा सा प्रभाव था थोड़ा सा प्रोडक्शन तब घटा था जब लाइट बिल्कुल ही कम कर दी गई थी लगभग जितनी मूनलाइट होती है या चांद की रोशनी होती है उस लेवल पे जब लाइटिंग कम कर दी गई प्रोडक्शन थोड़ी सी मार्जिनली डिक्रीज हुई थी अदरवाइज लाइटिंग का कोई असर नहीं पड़ा प्रोडक्शन पे तो ये थे इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट के फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट आता है रिले असेंबली टेस्टरूम एक्सपेरिमेंट जो कि कंडक्ट किया गया था 1924 से लेकर 1928 तक और इसका ऑब्जेक्टिव था टू फाइंड आउट द इंपैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी पर सामाजिक और मनोविज्ञानिक फैक्टर्स का प्रभाव इन दिस एक्सपेरिमेंट न्यू एलिमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इस वाले एक्सपेरिमेंट में कुछ नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए देखिए सबसे पहले तो इसमें जो गर्ल्स थी जो गर्ल वर्कर्स थी उनसे ये पूछा गया कि आप अपना को वर्कर जो है उसको सिलेक्ट कर सकती हैं। उसके अलावा कई और नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए जैसे कि शॉर्टर वर्किंग आवर्स वर्किंग आर्स जो है वो शॉर्ट कर दिए गए आधा घंटा उनको पहले फ्री कर देते थे काम से इंप्रूव वर्क कंडीशंस अच्छी हो गई प्रॉपर रेस्ट पीरियड रेस्ट पीरियड अच्छा दिया गया उनको पहले ढाई मिनट का रेस्ट पीरियड रखा गया उसके बाद उसको बढ़ा के दस मिनट का कर दिया गया सुपरविजन बहुत फ्रेंडली हो गया निरीक्षण बहुत फ्रेंडली हो गया आपका सुपरवाइजर आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली था प्रोविजन ऑफ रिफ्रेशमेंट लाइक टी फ्री रखा गया जैसे इंटरक्ट करना चाहते हो दूसरे के साथ आप कर सकते हो एंड सो ऑन प्रोडक्टिविटी एंड मोरल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और मोरल भी इंक्रीज हुआ द नेक्स्ट फाइंडिंग विज द प्रोडक्टिविटी एंड मोरल व इवन इफ द इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन अब क्या हुआ की वर्किंग कंडीशन वो वापस ले ली गई जैसे रेस्ट पीरियड जो प्रोवाइड करे जाते थे वो वापस ले लिए दोबारा से जो पहले घटाए गए थे अब बढ़ा दिए गए लेकिन जो बाकी चीजें हैं जैसे फ्रेंडली सुपरविजन था वो कंटिन्यू रहा फ्री सोशल इंटरैक्शन जो थी वो भी कंटिन्यू रही तो ये देखा गया कि प्रोडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ प्रोडक्टिविटी वॉज द सेम ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब वर्कर्स साइकोलॉजिकली या मानसिक रूप से पहले से बेटर फील कर रहे थे उनके पास एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी उनको इम्पोर्टेंट फील हो रहा था ऑर्गेनाइजेशन में सो so, इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाला गया दैट सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज फीलिंग ऑफ बीइंग इंपोर्टेंट सिंपथी रिकग्निशन पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल वर्क ग्रुप नॉन डायरेक्टिव सुपरविजन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन हायर प्रोडक्टिविटी

ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हायर प्रोडक्टिविटी में इन सब फैक्टर से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सो इट विज कंक्लूडेड दैट प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज इन केस ऑफ अटेंशन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग अगर आपको अटेंशन मिलती है आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करते हैं तो डेफिनेटली इन फैक्टर से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इन एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया कि सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट था मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे उन्नीस से लेकर 1931 तक और इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव था इंटरव्यूज विद लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स टू नो देयर एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स ऑफ वर्कर्स टूवर्ड्स मैनेजमेंट एंड सुपरविजन इंटरव्यू करके वर्कर्स का मैनेजमेंट एंड सुपरविजन के प्रति एटीट्यूड या रुझान जानना सो इन दिस एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन कंडीशन एंड वर्क एनवायरमेंट उनसे सवाल पूछे गए की क्या वो अपनी लिविंग कंडीशन और वर्किंग कंडीशन सेटिस्फाइड है या जो उन्हें वर्क के दौरान एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बारे में उनका क्या मानना है उनसे कंपनी के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए कि वो क्या एटीट्यूड रखते हैं अपनी कंपनी के तहत सुपरविजन के मामले में उनका क्या मानना है कि उनके सुपरवाइजर्स कैसे हैं कि क्या आप अपनी प्रमोशन सेटिस्फाइड है या आपको जो आय मिल रही है इनकम जो है आपकी आप उससे उससेफाइड है इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे गए एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंटरव्यू इट विज फाउंड दैट सोशल रिलेशन विद इन दर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन In इंटरव्यू से ये फाइंड आउट किया गया कि अगर सोशल रिलेशन अच्छा है वर्कर का एक ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका एटीट्यूड एंड बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। पता चला कि जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स अपना एक फ्रेंड्स का सर्कल बनाते हैं उनके भी अपने रूल्स होते हैं या नॉर्म्स होते हैं मानदंड होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं एंड मेंटल चेंज इन ऑफ वर्कर्स ऑब्जर्व इस इंटरव्यू के बाद एक मानसिक बदलाव देखा गया वर्कर्स में, क्योंकि वंस अगेन उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट फील हुआ उन्हें लगा कि उनकी कोई इंपॉर्टेंस है तभी उनसे ऐसे इंटरव्यूज लिए गए हैं उनको जो ये recognition मिली उससे साइकोलॉजिकली आई तो इन एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट ये रहा कि बातचीत करने से ग्रीवियंस या प्रॉब्लम सुने जाने से वर्कर्स का मोराल हाई होता है ये था मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम

यानी कि जो इंडिविजुअल्स का अपने क्लोज ग्रुप में बिहेवियर होता है उसको ऑब्जर्व करना और ये डिटरमाइन करना कि जो इन इनफॉर्मल ग्रुप्स के रूल्स होते हैं उनका प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है सो ओवरऑल अ ग्रुप ऑफ फोर्टीन वर्कर्स विज ऑब्जर्व विद रिगार्ड टू देर वर्क बिहेवियर इसमें चौदह वर्कर्स का ग्रुप बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया जिसका रिजल्ट क्या था Jiska result ye tha ki it was found that the group had their own production output norms which was way lower than what was set by the company. And the workers would produce only that much so that no worker can be thrown out for underperforming. Because it was feared that if the productivity would be higher, some workers might be fired. इन रिजल्ट्स के एक्सपेरिमेंट में ये फाइंड किया गया कि इनफॉर्मल ग्रुप के अपने ही कुछ मानदंड या नॉर्म्स या रूल्स थे प्रोडक्शन से रिलेटेड एंड वो नॉर्म्स या मानदंड कंपनी द्वारा सेट किए गए रूल से बिल्कुल अलग थे वर्कर्स उतना ही प्रोड्यूस करते थे जिससे किसी भी दूसरे वर्कर को निकाला ना जा सके अंडर परफॉर्मेंस के लिए क्योंकि उनको लगता था कि अगर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो कुछ वर्कर्स को निकाला जा सकता है इसलिए वो लिमिटेड प्रोडक्शन कर रहे थे इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से तीन टर्म्स भी निकल कर आई रेट बस्टर्स चीजलर्स एंड स्कूल ये तीनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पास्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में तो रेट बस्टर्स कौन थे रेट बस्टर्स वन ट्राइड टू प्रोड्यूस मोर देन द ग्रुप नॉम एंड वर पनिश्ड और हरास्ड रेट पास्टर्स वो वर्कर्स होते थे जिन्होंने सेट किए गए नॉर्म से ज्यादा प्रोडक्शन किया और इसीलिए उनको पनिश या हरास किया जाता था उनके इनफॉर्मल ग्रुप द्वारा चीज़लर्स वर टू स्लो चीज़लर्स वो होते थे एक इनफॉर्मल ग्रुप के वर्कर्स जो बहुत ज्यादा स्लोली काम करते थे और स्क्वीलर्स कौन होते थे स्क्वीलर्स वर द वन हु कंप्लेन टू द सुपरवाइजर्स स्क्वीलर्स इनफॉर्मल ग्रुप के वो वर्कर्स होते थे जो सुपरवाइजर्स के पास जाके कंप्लेन कर दिया करते थे बाकी वर्कर्स की ये इधर की बात उधर लगाते थे तो इसलिए इनको स्कूलर्स कहा गया तो ये था फोर्थ एंड फाइनल एक्सपेरिमेंट एंड ये थे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स अब डिस्कस कर लेते हैं हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन इनको हम ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच की प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं तो हॉथॉन एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला कंक्लूजन था दैट सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक इंटरपर्सनल रिलेशन एटीट्यूड ऑफ द सुपरवाइजर्स रिकग्निशन इंपॉर्टेंस एंड अदर्स हैव अ फार ग्रेटर इफेक्ट ऑन वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी सामाजिक मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है प्रोडक्टिविटी पर जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इंटरपर्सनल रिलेशंस या एटीट्यूड ऑफ द सुपरवाइजर्स की सुपरवाइजर का एटीट्यूड क्या है आपको क्या प्रॉपर रिकोगनिशन मिलती है एक ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं मिलती है या इंपॉर्टेंस मिलती है या नहीं मिलती है तो ऐसे जो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं ये फैक्टर्स वर्कर की परफॉर्मेंस को और प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं और वर्किंग कंडीशंस हैव अ वेरी लेस रोल ऑन द वर्कर्स मोराल एंड प्रोडक्टिविटी वर्किंग कंडीशन का बहुत लेस रोल होता है वर्कर के मोरल पर या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पर जो वर्किंग कंडीशन होती हैं, जैसे लाइटिंग कंडीशन कैसी हैं इन सब का बहुत लेस रोल होता है या कम रोल होता है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी या मोरल पर नेक्स्ट कंक्लूजन विज दैट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट प्रोडक्टिविटी जो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की वो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है द वर्कर्स फॉर्म स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सच ग्रुप्स है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स वर्कर्स अपना एक छोटा सा क्लोज सर्कल फ्रेंड्स का बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में और इनके कुछ मानदंड या वैल्यूज भी या रूल्स भी होते हैं इन सच ग्रुप्स के और इन नॉर्म्स का वर्कर्स की परफॉर्मेंस पे उनके बिहेवियर में बहुत फर्क पड़ता है या प्रभाव पड़ता है द नेक्स्ट कंक्लूजन विज दैट द वर्कर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय मनी अलोन बट बाय सिचुएशन लाइक रिक्ग्निशन सिंपथी पार्टिसिपेशन एटसेट्रा वर्कर्स सिर्फ मनी से ही नहीं प्रभावित होते ये बात जो साइंटिफिक थियोरी बोलती है साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी बोलती है कि वर्कर्स तो इंसेंटिव से प्रभावित होते हैं बल्कि जो सिचुएशंस होती हैं अगर आपको रेकोग्निशन मिलता है आपके प्रति सिंपथी कोई रखता है ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं एक्टिविटीज में ये फैक्टर्स मोटिवेट करते हैं एक इंडिविजुअल को ना कि सिर्फ पैसा या मनी द नेक्स्ट कंक्लूजन वॉज दैट वर्क प्लेस इज अ सोशल सिस्टम एंड द मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड द इंटरपर्सनल एंड ग्रुप रिलेशन इन द जॉब वर्क प्लेस भी एक सामाजिक सिस्टम की तरह है और मैनेजर्स को समझने की जरूरत है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर इंटरपर्सनल रिलेशन बनाता है या ग्रुप रिलेशन बनाता है उन रिलेशन को मैनेजर को अंडरस्टैंड या समझने की जरूरत है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स को क्रिटिसाइज भी किया गया इनका सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये था दैट इट अंडर एस्टिमेटेड द रोल ऑफ इंसेंटिव्स। ये एक जनरल क्रिटिसिज्म है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का भी और हॉथॉन एक्सपेरिमेंट्स का भी कि ये इंसेंटिव्स के रोल को अंडर एस्टिमेट करती है जो प्रोत्साहन राशि होती है उसके रोल को अंडर एस्टिमेट करती है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के सपोर्टर्स का मानना है कि इंसेंटिव एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं वर्कर्स को मोटिवेट करने में उस रोल को ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच इग्नोर करती है Next criticism was that the experiments were too narrow and small to provide generalization. Ye experiments hi the, ya hi chote. The, jinke basis par aap generalization ya karan kar sake. According to Alex Carey, whole research method was defective because of small size of sample and improper analysis of data. And a sample of five to six is not enough to make generalization. एलेक्स कैरी का भी मानना था कि रिसर्च मेथड जो था वो डिफेक्टिव था क्योंकि रिसर्च के लिए जो सैंपल लिया गया था वो बहुत ही छोटा था अ सैंपल ऑफ फाइव इज नॉट इनफ टू मेक जनरलाइजेशन पांच छह लोगों का सैंपल लेकर आप कोई एक जनरल थियोरी नहीं तैयार कर सकते अनदर क्रिटिसिजम इज दैट इट लैक वैलिडिटी ये एक्सपेरिमेंट्स वैलिडिटी लैक करते थे वाई बिकॉज द पार्टिसिपेंट्स न्यू दे वर बींग ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट्स को पता था कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उन्होंने बेटर वे में परफॉर्म किया इस फिनिना को हम हॉथोन इफेक्ट भी कहते हैं हॉथॉन इफेक्ट क्या होता है जब पार्टिसिपेंट्स बेहतर वे में परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो ये क्रिटिसाइज किया गया दैट फाइंडिंग्स विल नॉट वर्क इन रियल लाइफ सेटिंग्स इस एक्सपेरिमेंट की जो फाइंडिंग्स हैं वो रियल लाइफ में काम नहीं करेंगी Hawthorne experiments were criticized for lack of scientific analysis and research. It was considered that researchers were biased in their approach from the beginning. ये माना गया कि रिसर्चर्स ने बायस्ड होके स्टार्टिंग से ही ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करी थी उन्होंने पहले से ही ये सोचकर इन एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत की थी कि सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं बल्कि अगर आप कोई भी रिसर्च करते हैं आपको अनबायस्ड फ्रेमवर्क के साथ उस रिसर्च को कंडक्ट करना पड़ता है तो इसलिए भी इन एक्सपेरिमेंट्स को क्रिटिसाइज किया गया तो ये तो था हॉथोन एक्सपेरिमेंट्स का क्रिटिसिज्म और ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का क्रिटिसिज्म बट हम इस बात को डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते कि ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी को एक बहुत बड़ा झटका दिया था तो ये थी ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों एंड फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच आपका दिन शुभ हो